नमस्कार दोस्तों, टेस्ट नीति में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर्स। स्पीडी की जो वन लाइनर है उसको हम ख़त्म करेंगे, कुछ पार्ट्स में इसको हम ख़त्म करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी ताकि आप थोड़े थोड़े समय में सारी वीडियोस को देख करके अच्छी तरह से समझ जाएं। इसके साथ साथ हम यूथ कॉम्पिटिशन के MCQs को भी ख़त्म करेंगे, उसके जो प्रश्नोत्तरी हैं उसको भी हम ख़त्म करेंगे। इन जो बचे हुए 30 दिन हैं, ये जो 30 दिन बचे हुए हैं, ओके, इन 30 दिन में हम इसको भी ख़त्म करेंगे। इसको हम देखेंगे कि बाकी कैसे कैसे सारी चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। ये सारी जो बुक्स हैं, यानी कि जो MCQs है, वो ये आपके यूथ कॉम्पिटिशन के ये ख़त्म होंगे, और साथ ही साथ हम स्पीडी को भी इसमें ख़त्म करेंगे। ठीक है, यानी कि UP SSSC के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इन 30 दिनों के लिए हम ख़त्म करेंगे। 30 दिनों के अंदर आपको पूरी तरह से हर एक चीज़, हर एक पार्ट को पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ में बने रहिएगा, आपको UP SSSC के पूरी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। खास फोकस होगा करंट अफेयर्स, GK, ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएँ, और साथ ही साथ हिंदी, ये दो पार्ट आपका मैं पूरी तरह से ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा, और 30 दिन में आराम से ये ख़त्म हो जाएगा। तो साथ में बने रहिएगा, चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। ठीक है, आप अब तक जानते होंगे कि ये 1 जुलाई को जो है वो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। अगला देखते हैं, 1 जुलाई 2020 को किसे प्रथम PC महानोबिस पुरस्कार, महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाल नोबिस, PC महाल नोबिस पुरस्कार होता है, PC महाल नोबिस पुरस्कार होता है, ये किसे दिया गया है? RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को ये दिया गया है। कब दिया गया है? 1 जुलाई 2020 को। 1 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? वो दिल्ली में बनेगा। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को घोषणा की गई है कि भारत का पहला बैंक जो है वो दिल्ली में बनेगा। किस चीज़ का? प्लाज्मा बैंक बनेगा। ठीक है, दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनेगा। आगे देखते हैं, 1 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। तो किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया? मैंने आपको कहा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई 2020 को भी मनाया गया, 1 जुलाई 2021 को भी मनाया गया होगा। तो ये मनाया गया लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ COVID-19। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 जुलाई 2020 को किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की। तो किल कोरोना मध्य प्रदेश सरकार, आपको ऐसे याद रखना है, किल कोरोना मध्य प्रदेश सरकार, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं करना है। आगे देखिए, 2 जुलाई 2020 को 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है। तो 21वीं सदी के भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी जो है वो रविंद्र जडेजा को घोषित किया गया है। 2 जुलाई 2020 को पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? निगार जौहर। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सेना में, तो वो है निगार जौहर। आगे देखते हैं, आगे देखिए, 2 जुलाई 2020 को किस बैंक ने, ध्यान दीजिएगा, 2 जुलाई 2020 को किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया। तो कौन है, किसने लॉन्च किया था भाई? HDFC ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया था। 2 जुलाई 2020 को शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद ICC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इमरान ख्वाजा को बनाया गया है। किसको? ICC का अध्यक्ष बनाया गया है इमरान ख्वाजा को। कौन, किसने छोड़ा है भाई 2020 में? शशांक मनोहर ने। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, शशांक मनोहर ने छोड़ा है और इमरान ख्वाजा को बनाया गया है ICC का अंतरिम अध्यक्ष। 3 जुलाई 2020 को COVID-19 महामारी रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट के सम्मान से सम्मानित किया गया है। 3 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने MSME के लिए कितने डॉलर MSME इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ठीक है, MSME के लिए किसने, विश्व बैंक ने मंजूरी दी है कितने डॉलर की? तो $750 मिलियन की मंजूरी दी है। 3 जुलाई को ये चीज़ किया है उन्होंने। आगे देखते हैं, 3 जुलाई, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं,
हाँ, 3 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड, ध्यान से देखिएगा, समूचे नागालैंड को अगले कितने माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो 3 जुलाई को, अगले 6 माह, 3 जुलाई से अगले 6 माह तक के लिए इसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। किसे? नागालैंड को। 3 जुलाई 2020 को जर्मनी में पीएसडी बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ध्यान दीजिएगा, पीएसडी बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो सुमित नागल डेनियल मंसूर को हरा करके। किसने जीता भाई? सुमित नागल ने जीता है, डेनियल मंसूर को हरा करके जीता है। 4 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? तो अब ये व्लादिमीर पुतिन जो है वो 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC, ठीक है, द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? IBC द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया है? तो धर्म चक्र दिवस। आपको अच्छी तरह GK पढ़ रहे होंगे तो अच्छी तरह पता होगा धर्म चक्र दिवस क्या होता है। आगे चलते हैं। 4 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? ठीक है, 4 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? तो #COPs4ClimateAction, ठीक है, COPs4ClimateAction। 5 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? वो है दिल्ली सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है। 5 जुलाई 2020 को द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? तो डायना अवार्ड 2020, द डायना अवार्ड 2020 को भारत की फ्रिया ठकराल ने जीता है। किसने जीता है? भारत की फ्रिया ठकराल ने। आगे देखते हैं। 5 जुलाई 2020, देखिए, 5 जुलाई 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया। इसका क्या नाम था भाई? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है देश का पहला भारतीय सोशल मीडिया ऐप है जो 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। 5 जुलाई 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड कहाँ लॉन्च हुआ है? आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा। देखिए कहाँ लॉन्च हुआ है, देखते हैं। देखिए 10,000 बेड वाला केयर सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली के छतरपुर में। 5 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस, ध्यान दीजिएगा, गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक किया है? तो 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। 5 जुलाई 2020 को वर्चुअल रेड क्रॉस, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, 5 जुलाई 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू, ठीक है। 6 जुलाई 2020 को भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर, ध्यान दीजिएगा, CSS यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है जोया खान, गुजरात के वडोदरा जिले से ये बिलोंग करती हैं। 6 जुलाई 2020 को जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG सूचकांक में भारत का क्या स्थान था? ध्यान दीजिएगा, ये 6 जुलाई 2020 की बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको याद रखिएगा कि 6 जुलाई 2020 को SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का जो सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो 117वां था। 7 जुलाई 2020 को किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफ्टेक, ओफ्टेक नाम का एक जासूसी उपग्रह है, ओफेक 16, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये ओफेक 16 जो है वो इसराइल का है। 7 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस, एक मिनट, हाँ देखिए, 7 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो चॉकलेट दिवस है, ये आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 जुलाई 2020 का हर घर का गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हर घर का कनेक्शन जो देने वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। 7 जुलाई 2020 को भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। तो इनका, ये भी एक ग्रैंड मास्टर है, इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। 8 जुलाई 2020 को किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेक्कर सम्मान, ठीक है, नेक्कर सम्मान योजना जो है वो शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार, नेक्कर, ध्यान दीजिएगा, डबल क आ रहा है इसलिए कर्नाटक, ऐसे आपको याद रखना है कि नेक्कर सम्मान कर्नाटका से, कर्नाटक सरकार से संबंधित है, तो नेक्कर सम्मान कर्नाटका। आगे देखते हैं। 8 जुलाई 2020 को किस बैंक ने,
8 जुलाई 2020 को किस बैंक ने लोन का इंटरेस्ट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? तो लोन इन सेकंड जो है वो यस बैंक ने शुरू किया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेकंड्स दिया हुआ है और यस, ठीक है ना, यानी कि आप एस यस को ऐसे बना सकते हैं, तो यस और सेकंड्स, इस तरह आप याद रखिएगा, लोन इन सेकंड जो है वो यस बैंक का है। 8 जुलाई 2020 को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां रैंक मिला है, 2018 में ये 35वां था। 8 जुलाई 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो वो है सेल्फ स्कैन। 9 जुलाई 2020 को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? वो है अमेरिका। 9 जुलाई 2020 को गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क, गूगल का जो सोशल मीडिया नेटवर्क था गूगल प्लस, उसको दूसरे नाम से लॉन्च कर दिया है, या कहें कि रीलॉन्च किया है। उसका क्या दूसरा नाम क्या है भाई? गूगल करेंट्स नाम है। ये क्या है? ये गूगल का सोशल मीडिया नेटवर्क है। आगे देखते हैं, 9 जुलाई 2020 को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है या किसे प्राप्त हुआ है? तो हिमालयन तितली है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए हिमालयन तितली जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, इसको जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आ सकता है। 10 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश, हमारा मोम बार बार आ रहा है तो मध्य प्रदेश, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य दिवस या मत्स्य उत्पादन दिवस मनाया गया है, ठीक है। 10 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल करने की न करने की घोषणा की है, ठीक है। तो चीनी सामान का अब ये जो भी राज्य है ये अब इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसका नाम है उत्तराखंड राज्य सरकार। 11 जुलाई 2020 को किस पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाना को मिला है। किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाना को। 11 जुलाई 2020 को भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया? तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा निवेशक कहाँ बना है भाई? ब्रिटेन में बना है। चलिए अब आगे देखते हैं, नौ, अब बात करते हैं यहाँ से। 11 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच आयोग बैठेगी और काम करेगी। 13 जुलाई 2020 को अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल के पराग चिटनिस का, ध्यान दीजिएगा चिटनिस, ठीक है ना, चटनी से आप ऐसे याद रख सकते हैं चटनी, और चटनी कहाँ की? अमेरिका की। तो इस तरह से अमेरिका की चटनी, तो आपको क्या मिल गया? अमेरिका के कृषि अनुसंधान संगठन की चटनी बनेगी, ठीक है, कृषि अनुसंधान संगठन में चटनी बन रही है, यानी कि मूल पराग चिटनिस है, भारतीय मूल के पराग चिटनिस को भारत अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष कह सकते हैं या प्रमुख कह सकते हैं नियुक्त किया गया है। अच्छा, 13 जुलाई 2020 को स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, 13 जुलाई 2020 को स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है भाई? तो लुइस हैमिल्टन ने, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। 13 जुलाई 2020 को किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? ठीक है, ई लोक अदालत की, राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में। 13 जुलाई 2020 को कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कोरोना वैक्सीन पर जो ह्यूमन ट्रायल था उसको पूरा करने वाला सबसे पहला देश रूस बन गया है। 14 जुलाई 2020 को वॉन कर्मन पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसरो के प्रमुख के सिवान, देखिएगा वॉन सिवान, ठीक है ना, वॉन सिवान ऐसे करके याद रखेंगे, वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 सिवान के सिवान को मिला है, वॉन सिवान। 14 जुलाई 2020 को किस राज्य ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की? तो रोको टोको मध्य प्रदेश, रोको टोको मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं,
14 जुलाई 2020 को भारत के किस और राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया? ध्यान दीजिएगा, भारत में सुनहरा बाघ देखा गया है, ठीक है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो सुनहरा बाघ देखा गया है 14 जुलाई 2020 को, ठीक है? आगे देखते हैं, 14 जुलाई 2020 को। अच्छा, यहाँ से दूसरे तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, सुनहरा बाघ कहाँ देखा गया है, तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। 14 जुलाई 2020 को किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स, ठीक है, एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ को मिला है। 15 जुलाई 2020 को किसने अपना 39वां स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल, देखिए डिजिटल चौपाल जब भी आए तो हमेशा नाबार्ड करता है, तो डिजिटल चौपाल का आयोजन नाबार्ड ने किया है। 15 जुलाई 2020 को किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से, यानी कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सचिन अवस्थी को। ध्यान दीजिएगा, सचिन तेंदुलकर नहीं है, सचिन अवस्थी हैं ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। 15 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो स्किल फॉर अ रेजिलियंट यूथ, ठीक है, विश्व कौशल युवा दिवस, स्किल फॉर अ रेजिलियंट यूथ। 16 जुलाई 2020 को मोहन बगान रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? मोहन बगान रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो गुरु बख्श सिंह को हॉकी एवं पलाश नंदी को क्रिकेटर के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के बीच भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किस एयरपोर्ट ने शुरू की है? ध्यान दीजिएगा, संपर्क रहित पार्किंग कहाँ पर शुरू हुई है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आगे चलते हैं, 16 जुलाई 2020 को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार, क्या चीज़, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वेद प्रकाश दुदेजा को। वेद से याद रखिएगा, इंफ्रा हर चीज़ में लीडर होता है वेद, ओके, तो वेद जो है वो लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो वेद प्रकाश दुदेजा को मिला है। आगे देख लेते हैं, 17 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व सर्प दिवस जो है वो सर्प दिवस 17, तो 17 और सर्प, ठीक है, याद रहेगा 17 और सर्प दिवस। 17 जुलाई 2020 को गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूगल ने 7.73% हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है, किसमें? जियो प्लेटफॉर्म में। 18 जुलाई 2020 को गैबान, ठीक है, मध्य अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मध्य अफ्रीकी देश गैबान है, उसकी जो पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वो है ओसुका रेपोंडा, ओके। चलिए, 18 जुलाई 2020 को स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा 2019, ठीक है, ला लीगा 2019-20 का खिताब किसने जीता है? ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार पढ़ देते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। चलिए, 18 जुलाई 2020 को स्पेनिश फुटबॉल चैंपियन ला लीगा 2019-20 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने, जो उपविजेता इसके रहे हैं विला रियल, ओके। 18 जुलाई 2020 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? प्रियंका चोपड़ा को, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। 18 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? नेल्सन मंडेला दिवस, अभी हाल ही में दोबारा मनाया गया है, तो 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2021 याद रखिएगा। 19 जुलाई 2020 को कहां में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है? तो अस्थल गांव देहरादून में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अब 20 जुलाई 2020 को चेस फॉर रिकवरिंग बेटर विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है और 20 जुलाई 2021 को भी मनाया गया होगा। आगे देखते हैं, 20 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE ने होप मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, होप कौन सा है? मार्स मिशन है। 20 जुलाई 2020 को नौसेना का पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? मध्य हिंद महासागर में संपन्न हुआ है,
तो मध्य हिंद सागर में भारत और अमेरिका के बीच जो है वो पासेक्स युद्धाभ्यास हुआ है। 21 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू किया है। 21 जुलाई 2020 को भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। तो क्या चीज़ शुरू हुई है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, ठीक है, ये चीज़ शुरू की गई है दिल्ली में। 21 जुलाई 2020 को माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020, कौन सा पुरस्कार? माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तारा जून विंच को, पुस्तक दर यील्ड के लिए। किसके लिए? द यील्ड के लिए तारा जून विंच, ठीक है, तारा जून विंच को माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार। 22 जुलाई 2020 को DRDO ने सेना को LAC पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया? तो भारत नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया है। किसने? DRDO ने। 22 जुलाई 2020 को किसे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी SAP का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कुलमीत बावा को, ठीक है, किसे? कुलमीत बावा को SAP का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। 23 जुलाई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया है 23 जुलाई 2020 को? अब ध्यान दीजिएगा, अभी 23 जुलाई आने वाली है, तो 23 जुलाई 2020 को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाएगा। आगे देखते हैं, 23 जुलाई 2020 को किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप, जाहिर सी बात है, मदद कौन कर रहा था? तो सोनू सूद कर रहे थे, तो प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो सोनू सूद ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, 23 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की? किसकी? वेस्ट टू एनर्जी, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी। 24 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का नया सदस्य कौन सा देश बना है? निकारागुआ जो है वो नया संगठन, नया देश बना है, सदस्य देश बना है। 24 जुलाई 2020 को केरल का महा प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो मंजरी में स्थापित किया गया है। 24 जुलाई 2020 को किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेवा की शुरुआत की है, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए, 24 जुलाई 2020 को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN, क्या चीज़? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक मिश्रा को MFIN का नया CEO नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 25 जुलाई 2020 को किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन प्रथम को प्रक्षेपित किया है? तो ये है चीन, तियानवेन नाम से ही क्लियर है, चीन। 26 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 प्रक्षेपित किया है? तो एनासिस जो है वो आपका दक्षिण कोरिया का है, इसको याद रखिएगा, एनासिस 2 जो है वो दक्षिण कोरिया का है। 26 जुलाई 2020 को किसे गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किससे गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग को किया गया है। 26 जुलाई 2020 को किस श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ये एक श्रीलंकाई महिला है, इन्होंने, क्या नाम है इनका, देखिए, श्रीपाली विरक्का कोडी, ठीक है, श्रीपाली विरक्का कोडी। 27 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कला नारायण स्वामी को, ठीक है। आगे देखते हैं, 27 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया की मेजबानी अब कौन करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, तो रिजर्व पुलिस बल ने कौन सा 82वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए आगे देखते हैं, नौ 27 जुलाई 2020 को किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, वेली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया है? तो वेली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया है किस संस्थान ने विकसित किया? भाई IIM कोंजीकोड ने
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वेली बैंड का नामक डिवाइस जो है वो बनाया है। अच्छा, 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। 28 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस, किस विषय के साथ हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर के साथ। 28 जुलाई 2020 को रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी? तो ये था चीन को S-400 अब नहीं मिलेगा। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंड कराया गया? तो अंबाला एयरबेस पर इसको लैंड कराया गया था। किसको भाई? फ्रांस से जो राफेल आया था उसको। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अभी तक आपने सुना होगा मानव संसाधन मंत्रालय था, अब उसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। आगे देखते हैं, 29 जुलाई 2020 को इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेड अवार्ड, ठीक है, गुस्ताव ट्रवे अवार्ड किसने जीता है? गुस्ताव ट्रवे अवार्ड किसने जीता है भाई? भारत की पहली ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने ये अवार्ड जीता है। 29 जुलाई 2020 को किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 में सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? किसका गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? जेमी वार्डी ने जीता है। 30 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। 30 जुलाई 2020 को किस भारतीय मूल की महिला को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो ये हैं अर्चना सोरेंग। किस में? यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। ये भारतीय मूल की महिला हैं, यूएन के चीफ ने अपने नए सलाहकार में इनको शामिल किया है, जिसका नाम है अर्चना सोरेंग। 30 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है? ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, किस विषय के साथ मनाया गया है? देखिए, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश ने की है? तो रूस ने की है। ठीक है, 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता किसे बनाया गया है? प्रीतम सिंह को। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर में विपक्ष के नेता बने हैं। कौन है ये? भारतीय मूल के हैं, प्रीतम सिंह। 31 जुलाई 2020 को घरेलू रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है इकरा ने किसे अपना प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो एन शिवरमन को इकरा ने अपना प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है। 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है? तो प्रेम सिक्का को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रेम सिक्का, ध्यान दीजिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रेम सिक्का। हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ है? ब्रिटिश संसद का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, आगे चलते हैं, 31 जुलाई 2020 को खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की है? तो मुकुंदकम शर्मा के नाम से। ठीक है, अच्छा, 31 जुलाई 2020 को किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? बहुत जरूरी है क्या चीज़? भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ऐसे याद रखिएगा कि भाई क्या बहुत जरूरी है? भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, बहुत प्रचार आता है इसीलिए बहुत जरूरी है। 1 अगस्त 2020 को तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 1 अगस्त 2020 को तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश में अब तीन राजधानी हो गए हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। तो तीन राजधानियों वाला पहला राज्य भारत में कौन है भाई 1 अगस्त 2020 से? आंध्र प्रदेश है। 1 अगस्त 2020 को स्कॉच गोल्ड अवार्ड, क्या चीज़? स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 किस विषय के स्थान के साथ मनाया गया? तो सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर
ठीक है, इसके साथ इसको मनाया गया है। 2 अगस्त 2020 को किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान को शुरू किया है। आगे देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से, देखें 2 अगस्त 2020 को उत्तर रेलवे ने दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है? ये है त्रिपुरा। ठीक है, व्यापार माला एक्सप्रेस त्रिपुरा में चलाई है 2 अगस्त 2020 को उत्तर रेलवे ने। ठीक है, दिल्ली से भारत के किस राज्य में? तो दिल्ली से त्रिपुरा के लिए ये चली है। आगे देखते हैं। 3 अगस्त 2020 को फॉर्मूला वन का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2000 फॉर्मूला वन का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? जाहिर सी बात है, लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टापेन को हराकर। ठीक है, वर्स्टापेन को हरा करके लुइस हैमिल्टन, फिर से लुइस हैमिल्टन। आगे देखते हैं। 4 अगस्त 2020 को राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 1% से बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये 5% कर दिया है। तो राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है, 1% बढ़ा के 5% कर दिया है। आगे देखते हैं। 4 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें अब आरक्षित हो गई हैं। कहाँ? हरियाणा पंचायत चुनाव में। आगे देखते हैं। अब 4 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने चीन में लगे किस राज्य के गांवों के में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड। ठीक है, चीन से लगे जो राज्य हैं, मतलब चीन से लगा हुआ उत्तराखंड राज्य है, इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उत्तराखंड है वो। आगे देखते हैं। 5 अगस्त 2020 को जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल में से संन्यास लेने की घोषणा की है? इतना टेढ़ा नाम है, जितना टेढ़ा नाम है उतना आसान इनका काम है, यानी कि ये फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट होवेडेस। तो 5 अगस्त 2020 को जर्मनी के ये बेनेडिक्ट होवेडेस हैं, इन्होंने किस खेल से संन्यास लिया है? फुटबॉल खेल से बेनेडिक्ट होवेडेस ने संन्यास ले लिया है, जो कि जर्मनी से थे। 5 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? अभी आपने देखा था सुनहरा, तो सुनहरा बाग कहाँ देखा गया था? सुनहरा बाग आपका असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया था। अब हिम तेंदुआ संरक्षण की बात हो रही है, ये कहाँ बनेगा? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनेगा। 5 अगस्त 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कौन करने वाला है? संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखते हैं। 6 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का 213 लगाने वाला कौन बना है? ठीक है, 6 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का यानी कि 213 छक्के कौन लगाया है? इंग्लैंड के कप्तान हैं, इनका नाम है इयोन मॉर्गन। ठीक है, क्विक गन मुर्गन नहीं, इयोन मॉर्गन, तो उनसे आप याद सकते हैं। क्विक गन मुर्गन बहुत तेज थे, आपने मूवी देखी होगी, तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक उसी तरह से इयोन मॉर्गन ने तो 213 छक्के लगाए हैं, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 7 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है हरियाणा सरकार द्वारा, यानी कि हरियाणा सरकार, किस राज्य सरकार द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया है। 7 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2020 को, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 9 अगस्त 2020 को किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मनितोम्बी सिंह, ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय फुटबॉलर थे, इनकी उम्र 39 वर्ष थी और इनका निधन हो गया 9 अगस्त को, इनका नाम था मनितोम्बी सिंह। आगे देखते हैं। 9 अगस्त 2020 दिखेगा नहीं आपको, अब ठीक है। 9 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि हेतु इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, 9 अगस्त 2020 को, अच्छा देखिए यहाँ पर आप कैसे दिमाग लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सली
ठीक है, नक्सल इन्फेक्टेड मतलब अफेक्टेड एरिया ज़्यादा है, इसलिए इंदिरा वन मिशन योजना जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इससे आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, 9 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है 9 अगस्त 2020 को। 10 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन JTR, ठीक है, के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, कहाँ? 10 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक संगठन, ठीक है, इसके सत्र का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था। आगे चलते हैं, 10 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने अगले सत्र में से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है? तो अब खुद की शिक्षा बोर्ड बनेगी, यानी कि दिल्ली सरकार ने किया है। तो दिल्ली सरकार सब कुछ खुद का करना चाह रही है, तो दिल्ली सरकार ने एक चीज़ और खुद का किया है कि अब खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, उससे पढ़ाएंगे। 10 अगस्त 2020 को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नया एमडी तथा सीईओ बनाया है। इनका क्या नाम है भाई? इनका नाम है हरदयाल प्रसाद। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ का नाम है हरदयाल प्रसाद। आगे देखते हैं, 10 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? तो T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है वो भारत में खेला जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत लोगों को याद भी होगा। 11 अगस्त 2020 को किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? तो ये है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में जापान के जहाज से तेल का रिसाव हो रहा था, तो मॉरिशस ने ये घोषणा की पर्यावरण आपातकाल की। 11 अगस्त 2020 को किसने ग्रैंड प्रिक्स की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रेस में खिताब अपने नाम किया? तो ये थे मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, 12 अगस्त 2020 को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACI, एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो 2020 में 2019 का अवार्ड दिया जा रहा है, किस चीज़ का अवार्ड है भाई? एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का ACI किसे दिया गया है? नितिन सेठी को और शिव सहाय सिंह को, दो लोगों को ये अवार्ड मिला है, एक नितिन सेठी को और शिव सहाय सिंह को, ACI, ठीक है, नितिन सेठी और शिव सहाय। आगे देखते हैं, आखिरी बच रहा है ये, 12 अगस्त 2020 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये है पेटीएम। अभी आपने देखा होगा, पेटीएम जो है वो भारत का सबसे सबसे महंगा IPO लॉन्च कर रहा है। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को बंद करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे, बाकी के जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं, वन लाइनर है, उनको ख़त्म करेंगे, और कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी इस चैनल पर पढ़ते रहेंगे। आपका सपोर्ट रहेगा तो और अच्छे वीडियोस आएंगे। एक और रिक्वेस्ट है आपकी, आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।